ये लाइन अलग दिख रही है और ऊपर से अलग दिख रही है। जो आप देख रहे हो ये गवर्नमेंट का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का ऑफिस है इतनी टॉप पे। सो ये था मेरा होटल जहाँ पे मैं रुक रहा था और ये यहाँ पे टेक केयर कर रहे थे। क्या नाम है आपका अंकल? हेमंत। हेमंत, हेमंत जी यहाँ पे टेक केयर कर रहे थे। तो अभी भी पता लगा कि यहाँ पे वाईफाई था, बैड लक फॉर मी कि बंदरों ने तार तोड़ दिए। बंदर हैं, काम तो करेंगे ही अपना। सो चलते हैं। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो अभी मैं यहाँ पे चलने वाला हूँ लोकल माउंट आबू देखने। 3-4.5 घंटे हैं मेरे पास, लोकल माउंट आबू घूमूंगा, उसके बाद वहाँ से फिर मैं निकलूँगा अपनी बैक टू पवेलियन, मतलब दिल्ली के लिए। दिल्ली जाने से पहले यहाँ पे सारा घूम लूँगा। यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमना है बेसिकली उन्होंने मुझे बताया कि एक पॉइंट यहाँ पे है गुरु शिखर, जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, और पाकिस्तान बॉर्डर का जो उनसा है वो सबसे जो रडार में रहता है वो कहते हैं यही पॉइंट है कि जो रडार में रहता है। आई डोंट नो कि ऐसा क्या है, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी पहली बार सुना है, जाके देखते हैं तभी सच पता लगेगा। और एक दो लेक्स हैं वो देखते हैं फिर बताते हैं। मेरी बाइक हमारी चेन ल्यूप मैंने ले लिया, मैंने कहा थोड़ा सा ल्यूप कर लेंगे, बाकी निकलने से पहले यहाँ पे एक बार चेन वॉश करवाऊँगा। कल की एक बात बताता हूँ, बेसिकली मज़ा आ गया। ये जो होटल है ये है विलियम जॉन्स, राइट। तो यहाँ पे इनकी स्कीम चल रही है 309 रुपये में अनलिमिटेड खाना प्लस टैक्सेस, मतलब कि ये पड़ता है 324 रुपये। पिज़्ज़ा थे, मैंने 3 पिज़्ज़ा खा लिए, 3 पिज़्ज़ा उनकी। उसके बाद भी उन्होंने कहा, कह रहे सर और बनवा दूँ, मैंने कहा नहीं। तो उनने उसमें ना मीट चल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, कम से 10 से 12 चीज़ें थी, कहते जितना मर्जी खाओ। तो मैंने भर भर के खाया, मज़ा आ गया। सो चलते हैं, ये है हमारी आउटर रोड जहाँ पे हमारा ये माउंट आबू की जर्नी शुरू होती है। यहाँ से हम पूछते हैं एक बार गुरु शिखर के लिए कहाँ पे है जगह, ये ऊपर की साइड पे होगा डेफिनेटली, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। गुरु शिखर के लिए कहाँ से सीधा कितने किलोमीटर? 18। ओके ठीक है, 18 किलोमीटर है यहाँ से गुरु शिखर, पहुँच जाएंगे फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और डॉगी अगर सामान ना हो ना तो बाइक चलाने का मज़ा ही अलग आता है, लेकिन दोनों चीज़ों का मैं मैच नहीं करूँगा, क्योंकि जब सामान होता है ना उसके साथ भी बाइक चलाने का बड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है, वो भी बड़ा मज़ा आता है कि इतना सारा सामान लेता हुआ पीछे, और है हालांकि कपड़े ही हैं लेकिन मज़ा आता है। शंकर मठ ज्ञान इधर, गुरु शिखर यहाँ। एक बात, मुझे यहाँ आके ना मुझे लगा यार मनाली तो अलग चीज़ है, क्योंकि देखो वहाँ पे पहाड़ माउंटेन्स अलग टाइप का है, लेकिन ये माउंट आबू की जगह बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। मैं आपको कुछ शॉट्स कुछ आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने एक लोकेशन पे आया हूँ, ये एक टॉप पॉइंट है बेसिकली, यहाँ पे दिखेगा क्या आपको, हैव अ लुक। सो यहाँ पे बेसिकली है क्या, मेरे को क्या समझ आ रहा है कि यहाँ जो पहाड़ है ना उसके ऊपर देखोगे तो एक सीधी लाइन दिख रही है, आई डोंट नो आपको दिख रही है, मैं एक बार फ़ोन से कैप्चर करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। सो उसके ऊपर के बादल कलर अलग है, उसके नीचे के बादल के कलर अलग है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे पहाड़ हो गए ना, ये लाइन देखो, ये लाइन अलग दिख रही है और ऊपर से अलग दिख रही है। सो ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी ये चीज़ दूर से, मेरे को समझ नहीं आया ये क्या है, बट यहाँ पे ऐसे है, ऊपर के अलग कलर है, नीचे का अलग कलर है, और ऐसा भी नहीं है कि आगे पीछे है, बिल्कुल एक सीधी लाइन है पे। और यहाँ पे एक पापड़ है चावल का, ये थोड़ा अलग है, ये अभी मैं आके खाऊंगा, पहले थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं। सो यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक वहाँ से चढ़ाई करके है, एक यहाँ पे स्टेयर्स है। उन्होंने बताया 50 सीढ़ियाँ वैसे हैं कि अगर आपको मंदिर पे जाना है, लेकिन अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपके चलेंगी 200 सीढ़ियाँ। सो हम क्या करेंगे, हम 200 सीढ़ियाँ यूज़ करेंगे, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमें
अच्छी जगह जाना है। सो चलो चलते हैं, 200 सीढ़ियां करीब है, फटाफट हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये है गुरु शिखर मंदिर का व्यू, यहाँ पे ये मंदिर है। सो अंदर मैं वीडियो नहीं कर सकता, बेसिकली फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, तो अंदर नहीं लेके जाएंगे। यहाँ से ये व्यू आता है, व्यू बहुत अच्छा है। इसके ऊपर वहाँ से रास्ता है जो टॉप पॉइंट पे जाता है, वहाँ के लिए भी 150 सीढ़ियाँ और है। सो फटाफट से चलते हैं, एक बार मंदिर होके आते हैं फिर आगे चलते हैं। मैं आया था वो था ये वाला मंदिर, इसके ऊपर भी एक मंदिर है जो गुरु शिखर के ऊपर एक और शिखर है। सो टेलीस्कोप से तो व्यू और जबरदस्त है, बहुत प्यारा व्यू है। अभी आगे से मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से बादल के कलर कैसे चेंज होते हुए आ रहे हैं। चलते हैं फटाफट से अंदर फिर दिखाता हूँ। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंट आबू। सो ये जो आप देख रहे हो ये गवर्नमेंट का है। नीचे मैंने देखा था कि यहाँ पे एयरफोर्स का कुछ है, तो हो सकता है उसके रिलेटेड हो। और यहाँ पे जाना स्ट्रिक्टली अलाउड ही नहीं है क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट के अंदर है। और ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है। अगर मैं आपको एक बार ना पूरा राउंड एक बार दिखाता हूँ, ज़बरदस्त लगेगा। अब यहाँ से फ्री होके अब चलते हैं वापस, क्योंकि यहाँ से भी मुझे नीचे वापस जाना है माउंट आबू, और देन वहाँ से जाना है हमें जयपुर के लिए। इनकी फोटो हो रही है, फोटो हो जाए फिर निकलते हैं। भागो आजा आजा देख ले, चश्मा उठा के देख ले। एक बार मेरा ना पकड़ लियो, मेरा पकड़ नहीं। हाँ पे मैं पीने लगा हूँ छाछ। भैया मसाला तेज रखना, शांत कर मसाले वाली। सो, इन्होंने एक और बात बताई है मुझे, एक इंटरेस्टिंग बात। चलो मैं आपको वो बताता हूँ जो इन्होंने मुझे बताया। मैं जानना चाहता था कि ये ऑफिस किस चीज़ का है। सो, अभी मुझे पता लगा है ये इसरो का ऑफिस है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का ऑफिस है इतनी टॉप पे और हम वहाँ पे हैं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे ही स्पेस के बारे में रिसर्चेस होती है इस लोकेशन से। फाइनली यहाँ से हम निकल गए हैं, पापड़ खा लिया, पेट में हलचल जो थी वो शांत हो गई। और लोकेशन बहुत प्यारी है, अलग है लोकेशन, मस्ट विजिट है, एक बार ज़रूर आना यहाँ पे, बहुत प्यारी जगह है। अभी मैंने ग्लव्स उतार के रख दिए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो मुझे चाहिए था कि हल्का सा कुछ नॉर्मल टाइप का ठंडा ठंडा चाहिए था। अभी माउंट आबू यहाँ से है, मतलब वैसे तो ये माउंट आबू ही है, तो मतलब मेन जो सिटी है वो है यहाँ से करीब 18 या 19 किलोमीटर। शूटिंग पॉइंट, शूटिंग पता नहीं क्या लिखा है, किसी को कह के एक दो फोटोज क्लिक करवा लेंगे फिर बढ़िया है सब। सो ये है सारी लोकेशन, ये देखो यहाँ से आई थिंक पूरा माउंट आबू दिखता है। और हाईएस्ट पॉइंट वो था, ये हाईएस्ट पॉइंट वो था, और ये सब नीचे नीचे है। सो थोड़ा सा आगे से एक बार देखते हैं क्या है। सो आगे एक प्लेस बनाई हुई है यहाँ पे खड़े होने के लिए, सो लोग सारे यहाँ पे खड़े होके एंजॉय कर लेते हैं। ये एक गोल राउंड
बनाया हुआ है बैठने के लिए। सो ये है आई थिंक नक्की झील, ये नक्की झील है और उसके बाद ये सारा व्यू है। तो फाइनली हम माउंट आबू सिटी में पहुंच चुके हैं, जो मेन यहाँ पे सिटी है हमने वहाँ पे प्रवेश कर लिया है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से होटल में जाते हैं और होटल में सामान को करते हैं पैक और हम निकलते हैं अपने द्वार की तरफ। इन बच्चों से बातचीत हो रही है, पिछले 5 मिनट से ये हाय हेलो कर चली जा रही है। तो तब इनको लगा था कि मेरा कैमरा ऑन है बट मेरा बंद था, तो अभी मैंने ऑन कर लिया है। बाय बाय। चलो अब अपना आ गया है ये जगह जहाँ पे हम कल रात को रुके थे और हम अब चलते हैं होटल अपने, जाके सामान को करते हैं पैकिंग और हम निकलते हैं वापस। ये कल यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा खाया था। माउंट आबू का जो टॉपेस्ट पॉइंट है वहाँ पे हम होके आ चुके हैं। सो वहाँ पे उसके साथ ही मैंने दिखाया कि इसरो का ऑफिस है। सो जब मुझे उन्होंने बताया था ना पहले किसी ने कि यहाँ पे आर्मी के कुछ रिलेटेड है, वो ऐसा नहीं है बट वो पता नहीं उन्होंने क्यों बोला ऐसे। वहाँ पे टॉप पे इसरो का ऑफिस है, बाकी वहाँ पे एक आर्मी का ज़रूर कैंप टाइप का बना हुआ है अच्छा सा, तो वो बट सिक्योरिटी रीजन था इसलिए वो मैंने नहीं दिखाया। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मेरे कपड़ों के हाल देखोगे तो बुरा हाल हो चुका है। सो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। बाय बाय।